तो भाई लोग पता है थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं रिव्यू देने के लिए, पर फिर भी रिव्यू देना तो बनता ही है। तो लास्ट वीक आई थी दो मूवीज जिसमें से एक है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और दूसरी भक्षक, शाहिद कपूर की मूवी थिएटर्स में आई और भक्षक नेटफ्लिक्स पे। तो पहले बात करते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की, थोड़ा लंबा नाम है पर उसके बारे में बात करते पहले। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। तो अगर आपके पास वैलेंटाइंस डे के लिए कोई डेट नहीं है तो आप भी इस तरीके के एक रोबोट ला सकते हो, पर तभी लाना जब वो रोबोट कृति सेनन जैसी हो। आदि पुरुष और गणपत जैसी ट्रेजिडिक मूवी देने के बाद कृति सेनन ने एक और बार एक एक्सपेरिमेंट किया है अलग सा, और वो भी रोबोट का रोल प्ले करके। बॉलीवुड ने कुछ नया ट्राई किया है एक साइंस फिक्शन रोमकॉम मूवी को लॉन्च करके। 2 घंटे 23 मिनट की मूवी है और वो आई है इस पूरे सूखे पड़े फेब मंथ में। मूवी के स्टार्ट के 15 मिनट में आपको लगेगा कि क्या ही मूवी है यार, पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको लगेगा कि वो पुराना शाहिद जो था, जो एक चॉकलेटी बॉय था, वो वापस आ गया है और बस थोड़ा फेस फैट कम है इस वाले। स्टोरी एक ऐसे अनयूजुअल लव स्टोरी की है जहाँ पे एक लड़का है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे प्यार हो जाता है एक ऐसे रोबोट से जो दिखने में तो पूरी लड़की जैसी ही है पर वो है नहीं। तो इन दोनों की लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है वो मूवी में दिखाया है, जहाँ लड़की आगे जाके फैमिली वालों से मिलती है विथ सम ट्विस्ट। कुछ जगह की सिचुएशनल कॉमेडी आपको अच्छी लगेगी पर कुछ जगह एकदम बकवास। वैसे ये मूवी काफ़ी कपल्स को अट्रैक्ट तो ज़रूर करेगी क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, पर चाहे वो मूवी देखे या ना देखे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। फर्स्ट हाफ में दोनों की लव स्टोरी बिल्डअप होती है और सेकेंड हाफ में उसी लव स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है विथ इंक्लूडिंग फैमिली और सम ट्विस्ट एज वेल, जहाँ सबने अच्छी एक्टिंग भी की है। मूवी की सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो साईफाई डिटेलिंग, जहाँ सिफरा कैसे चार्ज होती है या फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, और जब वो अटकती है तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छा दिखाया है। काफ़ी छोटी छोटी डिटेलिंग अच्छे से की गई है और आखिर में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का कैमियो भी है जो मुझे लगा कि नेसेसरी नहीं था, और उसके अलावा एक हिंट भी दिया जाता है कि इसका सीक्वल भी आ सकता है। CGI और VFX क्योंकि एक रोबोटिक मूवी है, सॉरी रोबोट्स इंक्लूडेड है, तो उसमें थोड़ा बेसिक CGI दिया गया है। कुछ जगह थोड़े आपत्तिजनक सीन्स है तो आप फैमिली वालों के साथ थोड़ा सोच समझ के जाना। ओवरऑल ये मुझे वन टाइम वॉच लगी मूवी, तो इस मूवी को मैं दूंगा 2.5 stars out of 5। अब आते हैं दूसरी मूवी पे जो है भक्षक। ये मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे। मूवी चाइल्ड अब्यूज और वायलेंस पे बेस्ड है और टोटल 2 घंटे 15 मिनट की है। मूवी स्टार्ट में ही बता दिया जाता है कि मूवी कुछ रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर्ड है या फिर उनके ऊपर बेस्ड है, और जिस तरीके से वो दिखाया है उसको देख के लगता है कि क्या ऐसे भी लोग इस दुनिया में जो इतने घटिया है कि उनको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। मूवी का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है और उसको आप पहले 10-15 मिनट में ही समझ जाओगे, क्योंकि जो सीन आता है एक पहला वाला ही, उसको बनाने में काफ़ी हिम्मत चाहिए और उसी से आप समझ भी जाओगे। फिल्म की स्टोरी है एक अनाथालय के ऊपर जहाँ कुछ लड़कियाँ रहती है और उन लड़कियों के साथ कुछ गलत चीज़ें की जाती है जो बाहर की दुनिया को नहीं पता है, पर यही बातें फिर भूमि पेडनेकर को पता चल जाती है जो एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही है। और उसके बाद क्या होता है आप उसे मूवी में ही देखो। सब लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में, जिस तरीके से सब एक्टर्स ने परफॉर्म किया है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मूवी भले ही 2 घंटे 15 मिनट की हो पर एक भी सीन इस मूवी का बोर नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है पर इस मूवी को एक बार सब लोगों ने ज़रूर देखनी चाहिए। जो टॉपिक है वो हमेशा दबा दिए जाते हैं और वो भी सिस्टम के ही थ्रू। इन टॉपिक्स पे जनरली हम बात नहीं करते पर जब भी करते हैं तो ये सिस्टम ही है जो उनको ठीक भी कर देता है। एक्टिंग जैसा मैंने पहले भी कहा कि सब लोगों ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, भूमि पेडनेकर ने भी काफ़ी अच्छा इसमें रोल प्ले किया है, पर सबसे बेस्ट मुझे लगा वो CID वाला अभिजीत, बहुत बेस्ट और कमाल की एक्टिंग की उन्होंने। अभिजीत ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है और उस रोल को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है लग रहा था कि स्क्रीन में घुस के मारूं यार उसको। फिल्म का टॉपिक, एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ अच्छा ही था, और एक लास्ट में भूमि पेडनेकर का एक मोनोलॉग डायलॉग भी है जो सबसे बेस्ट है, आपको हिट करेगा वो मूवी। आप फैमिली के साथ देखना चाहो तो देख सकते हो। ओवरऑल इस मूवी को मैं दूंगा 4 out of 5 stars। दोनों मूवी के रिव्यू अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर मार देना दोस्तों, और कौन सी मूवी अच्छी लगी इन दोनों में से कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।